करेंगे प्रचंड ठंड की। उत्तर भारत में तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज कर चुका है। अगले 24 घंटे तक दिल्ली एनसीआर में कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 4 दिन में शीतलहर से राहत की उम्मीद जरूर है, आईएमडी की तरफ से कहा गया है। तो मौसम विभाग के मुताबिक शीतलहर से आपको राहत मिल सकती है आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में, लेकिन कोहरा इसी तरह से परेशान करेगा। कोहरा और प्रदूषण आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन जरूर शीतलहर से कुछ राहत मिलेगी मौसम विभाग की तरफ से, ये पूर्वानुमान जताया गया है। अगले 4 दिन में शीतलहर से राहत की उम्मीद है, क्योंकि शीतलहर का अलर्ट पिछले कुछ दिनों में जारी लगातार किया जाता रहा है मौसम विभाग की तरफ से। और अच्छी बात यह है कि अब उत्तर पश्चिम भारत में ठंड और शीतलहर से कुछ राहत आपको मिल सकती है। हालांकि कई राज्य ऐसे जहां पर कोहरा घना ही बना रहेगा, कोहरे से कोई फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। अलग अलग राज्यों में कैसे मौसम के मिजाज हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। जरूर ये भी है कि पारा कुछ जगहों पर लुढ़का है, कुछ जगहों पर पारा कम हुआ है, जिस वजह से ठंड और ठिठुरन बढ़ी है। लेकिन शीतलहर से आपको राहत मिल जाएगी अब कुछ दिन के लिए, और ऐसा पूर्वानुमान जताया है मौसम विभाग ने। तो कैसे दिल्ली एनसीआर के मौसम के हाल हैं ये जानने के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली से जतिन गोस्वामी हैं, गाजियाबाद से अनिल चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ महेंद्र माही नोएडा का अपडेट हमें देंगे। जतिन, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। आज दिल्ली एनसीआर को शीतलहर से तो कुछ राहत मिली है माना जा रहा है, कोहरे का क्या स्टेटस? कोहरा भी पिछले 2 दिनों की तुलना में कम है, लेकिन आज दिल्ली वासियों के लिए एक ठंड का एक और अटैक हो सकता है, वो है बारिश के रूप में, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से चेतावनी दी है कि 11 और 12 तारीख को बारिश हो सकती है। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, तो इससे ठंड बढ़ेगी, लेकिन लोगों को जो प्रदूषण का स्तर है उससे जरूर राहत मिल सकती है। हालांकि पिछले अगर कल की बात करें तो कोहरा थोड़ा कम था, लेकिन परसों जो कोहरा था उसने काफी ज्यादा सताया था, और ये कहें कि सीजन का सबसे ज्यादा कोहरा परसों जो है वो छाया था। और क्योंकि बारिश होगी तो बारिश से कोहरे से राहत 2 दिन मिल सकती है, लेकिन फिर 3रे दिन जब थोड़ी बहुत धूप निकलने के आसार भी बताए गए हैं उसके बाद कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो ठंड है उससे राहत नहीं मिलेगी, दिल्ली की सर्दी अभी भी कुछ और दिनों तक सताने वाली है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। अनिल बता रहे हैं जतिन की आज बारिश हो सकती है दिल्ली में, क्या गाजियाबाद में भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अनुमान जताया गया है? तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है और बताया गया है कि आगामी 1 या 2 दिन के अंदर बारिश पड़ सकती है। तो जिस तरीके से खून जमा देने वाली ये सर्दी पड़ रही है, तो लोगों को इससे ये तो जाहिर हो रहा है कि आगामी अभी 1 या 2 दिन में राहत नहीं मिलने वाली है, लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। NH9 पर इस वक्त मौजूद हूँ, कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से लोग अपने काम पर सुबह निकले हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से सर्दी का जो सितम है वो देखा जा रहा है, अपने आप को ढकते हुए सिकुड़ते हुए लोग जो है आपको दिखाई देंगे, देख सकते हैं आप किस तरीके से। NH9 पर बस दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, किस तरीके से जो कोहरे की मार के चलते जो वाहन है वो जो आप उनकी रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है, और जो हेडलाइट का जो उपयोग करते हुए जो वाहन है वो नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हालांकि बीते 2 दिन पहले जरूर कोहरा ज्यादा था, पर आज कोहरा कम देखा जा रहा है। तकरीबन 50 से 60 मीटर की जो विजिबिलिटी आज दर्ज की गई है। ऐसे में जिस तरीके से लगातार सर्दी बढ़ रही है, तो लोगों की परेशानी अभी कम होती नजर नहीं आ रही है। लोग चाहते हैं कि कैसे भी सर्दी कम हो, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ जो आसपास के लोग हैं वो ज्यादातर नौकरी पेशे वाले हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है घर से बाहर निकलने की। तो कहीं ना कहीं अभी लोग चाहते हैं कि किस तरीके से सर्दी से राहत मिल जाए। जी बिल्कुल, महेंद्र माही का हम रुख कर लेते हैं। महेंद्र, गाजियाबाद में तो अनिल ने जो तस्वीरें दिखाई हैं कोहरा बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, क्या नोएडा में भी इसी तरह की तस्वीर है? देखिए, अगर हम कोहरे की बात करें और शीतलहर की बात करें, तो पहले के 2 दिन के मुकाबले आज नोएडा एनसीआर में कम कड़ाके की ठंड है, मगर जो 9 जनवरी का जो दिन है वो दिल्ली एनसीआर के लोग कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस दिन जो तापमान था सामान्य से काफी नीचे लुढ़क चुका था, वो पीछे 15-20 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो नोएडा और एनसीआर का तापमान
पहले के मुकाबले कम है। जो घना कोहरा है वो भी कम हो चुका है, क्योंकि 9 जनवरी की जो दिन था उसमें हमने देखा था किस तरीके से जो घना कोहरा था सुबह से लेकर शाम तक छाया हुआ था। मगर आज की बात करें और कल की बात करें तो कल भी कोहरा था, मगर आज तो बिल्कुल कम है। और कल धूप निकली थी, 10 बजे के बाद धूप निकल गई थी तो लोगों को राहत मिली थी, लोग अपने घर के बाहर छतों पर जाकर धूप सेक रहे थे। मगर जो मौसम वैज्ञानिक ने यह कहा है कि आने वाले 1-2 दिनों तक ऐसी शीतलहर की हवा चलती रहेगी। मगर सबसे बड़ी बात यह है, देखिए नोएडा एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है, और सबसे ज्यादा अगर इसमें कहीं इसका प्रकोप देखा गया है तो कानपुर में देखा गया। किस तरीके से वहां जो संख्या बढ़ी थी हार्ट अटैक की, जिसमें यह कहा गया था कि जो ठंड के कारण इन लोगों की मौत हुई है। और अगर अन्य जिलों की बात करें तो देखिए कानपुर में तो साफ पता चल गया था, मगर ये केसेस अन्य जिलों में भी होंगे। मगर जो डीएम है, जो अधिकारी, वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जब हमने नोएडा की बात की तो नोएडा में जिला अस्पताल में ऐसे कई मरीज आए जो ठंड की परेशानी से, जिनको काफी परेशानी थी, मगर प्रशासन ने छुपाया। मगर जो कानपुर में स्थिति बनी हुई थी उसका देखा जाए तो अन्य जिलों में नहीं है। मगर इसके साथ साथ जो सरकार ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से अगर अन्य जिलों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी बड़ा जिला, काफी बड़ा राज्य है, जिन जिन जिलों में ठंड बढ़ती जाएगी वहां यह कहा गया है कि आप अपने स्कूलों की छुट्टी बढ़ाते जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर ठंड से कोई प्रभावित होता है तो स्कूली बच्चे और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो प्रभावित होते हैं। देखिए मौसम वैज्ञानिक ने यह भी कहा है कि 1-2 दिनों तक इस ठंड का प्रकोप रहेगा, मगर इसके बाद 14 तारीख के बाद जो सामान्य तापमान होता है वो आपको देखने को मिलेगा लोगों के अंदर। बिल्कुल महेंद्र माई, आप बने रहिए। जतिन, मौसम विभाग की तरफ से कहा यह गया है कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, यानी कि ठंड कुछ हद तक कम हुई है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो कितना मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर और आज का अभी का तापमान कितना दिल्ली का? देखिए अभी मौजूदा तापमान की अगर मैं बात करूं तो वो 9 डिग्री है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले की तुलना में ये थोड़ा बढ़ा है, थोड़ी है, और पहले से ये मौसम विभाग ने पूर्वानुमान इसका कह दिया था। लेकिन पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि जो न्यूनतम तापमान है वो 2 डिग्री से भी नीचे दिल्ली का चला गया था, 1.9 डिग्री दर्ज किया गया था। हालांकि उसके बाद भी धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम तापमान जो है वो 4 से 5 डिग्री अब एवरेज बना हुआ है। लेकिन क्योंकि ये जो एवरेज तापमान है, अगर इसे हम फील की बात करें तो ये फील इसलिए ज्यादा है क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, धूप बहुत कम निकलती है, धूप से दिन के वक्त थोड़ी देर के लिए निकलती है और फिर शाम होते होते फिर से जो ये कहें कि बादल जैसा माहौल हो जाता है, ठंड जो है वो बढ़ने लग जाती है, ठिठुरन कहें या फिर दांत कटकटा देने वाली सर्दी कहें तो उसका सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। और अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो क्योंकि देखिए उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है जो जिनके पास अपना आशियाना नहीं है, जिनके पास अपना घर नहीं है, तो उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई। लेकिन हमने कल जायजा भी लिया कई जगहों पर, तो कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हम रैन बसेरों में नहीं जाना चाहते हैं, वहां की कुछ व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए भी सबसे ज्यादा मुश्किल है, खासकर वो लोग जो सुबह के वक्त, क्योंकि अभी हम सुबह के वक्त बात कर रहे हैं, दोपहिया वाहन पर जो लोग जाते हैं उनके कानों में जिस तरह से ठंड का एहसास होता है उसको समझना, देखिए उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे में जैसे मैं, महेंद्र या अन्य रोड पर हम खड़े हुए हैं तो हमें महसूस हो रहा है कि किस तरह से हमारे कानों में ये सर्दी छूकर अटैक की तरह असर कर रही है। तो कहीं ना कहीं पिछले 2 दिनों में सर्दी और कोहरे का दौरा अटैक हुआ था, आज कोहरे से राहत है, लेकिन बारिश के आसार है और बारिश होगी तो टेम्परेचर नीचे जाने के भी आसार है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। ठीक है जतिन और अनिल, महेंद्र माई, आप तीनों मेरे साथ बने रहिए। बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई ही बता देते अपने दर्शकों को, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड देखे पड़ रही है। लगातार 5वें दिन ठंड ने लोगों को जकड़ लिया है, घने कोहरे और शीतलहर का कोहराम लगातार जारी है। दिल्ली चंडीगढ़ कुल्लू की उड़ानों में देरी हुई है, 1 से 7 घंटे की देरी से चल रही है कई ट्रेनें, तो बड़ा असर पड़ा है यातायात पर, चाहे वो सड़क यातायात हो, हवाई यातायात हो या फिर रेल यातायात। कई ट्रेन ऐसी हैं जो कि देरी से चल रही हैं। तो दिल्ली एनसीआर का हाल हमने आपको बताया, पूरे उत्तर भारत की अगर बात करें तो ठंड से ठिठुर रहा है उत्तर भारत, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया है, कई राज्यों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। सर्दी के बीच दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट आज जारी किया गया है, कई उत्तर भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश का अलर्ट आज जारी किया गया है। अनिल, बारिश का अलर्ट चूंकि आज जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है, उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है, दिल्ली एनसीआर खासतौर पर ट्रिपल अटैक झेल रहा है ठंड, कोहरे और साथ ही साथ प्रदूषण का, अगर बारिश होती है तो क्या प्रदूषण से कुछ राहत मिलने की उम्मीदें हैं? मौसम विभाग ने बताया है कि आगामी 1-2 दिन में
जो है बारिश पड़ सकती है। 11 और 12 का उन्होंने बताया गया है जिस तरीके से, पर लोगों को जिस तरीके से बताया तो सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है, ये तो इस बात से जाहिर हो गया है। हालांकि जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है खराब होता जा रहा है, जो हवा है आओ हवा है वो लेने लायक नहीं है, तो उससे राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से फोग के साथ साथ स्मोक भी उतना ही असर उसका देखा जा रहा है, जो कोहरे की चादर है उसके साथ साथ वो जो स्मोक है वो भी अपना कहर बरपा रहा है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई भी सुधार नहीं देखा गया, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिन जरूर सरकारें और जिला प्रशासन तमाम इस पर काम करती रही, पर जिस तरीके से सर्दी बढ़ी तो उसके बाद में जो सरकारें हैं जो जिला प्रशासन है उस तरीके से काम एयर क्वालिटी पर नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये सामने आ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता नजर आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज का गाजियाबाद का 388 दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ मैं तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा, जिस तरीके से कोहरे की मार तो लोग झेल ही रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, लगातार जो है पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसलिए ये बिल्डिंग जो है 29 मंजिला इमारत है ये भी धुंधली सी आपको दिखाई देगी, वो लगातार हम अपने दर्शकों को ये इन चीजों से अवेयर कराते रहे हैं। हालांकि जब घर से बाहर निकले तो प्रॉपर मास्क लगाकर ही निकले, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी का सितम है, वहीं दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो एयर है जो आबो हवा है वो लेने लायक नहीं है। ठीक है अनिल, महेंद्र माही का हम रुक कर लेते हैं, नोएडा से महेंद्र माही है। महेंद्र, तस्वीरें क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि आप अपने आसपास की दिखाएं, नोएडा में कैसा मौसम है, क्या हाल है, लोग ये जान पाएं? इसके अलावा जतिन ने बताया कि दिल्ली में रैन बसेरों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लोग नहीं वहां पर रहना चाहते हैं, नोएडा में क्या यूपी सरकार की तरफ से उचित प्रबंध किए गए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जो जतिन ने बताया दिल्ली में रैन बसेरा बने तो है मगर वहाँ लोग नहीं जा रहे, लोग फुटपाथ पर सोने को एक बार तैयार है मगर रैन बसेरा में नहीं जा रहे, क्योंकि देखिए इंतजाम वैसे नहीं है जिस तरीके होने चाहिए। अगर आप किसी रैन बसेरा में जाते तो वहाँ ऐसा लगना चाहिए साफ स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, मगर वहाँ ऐसे इंतजाम नहीं होते, प्रशासन ये होता है बस रैन बसेरा बना के छोड़ देता, उसके बाद जो प्रचार करना होता है कि अगर आप आनंद विहार रेलवे स्टेशन रुके हैं तो आपके थोड़ी देर में आपको ये रेन बसेरा मिलेगा, अगर आप नोएडा बस अड्डा पे रुके हैं तो आपको ऐसा रेन बसेरा मिलेगा, तो सबसे ज्यादा जो प्रचार है वो प्रचार प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता, जो जितने भी तमाम जो रेन बसेरा होते हैं चाहे नोएडा की बात करें चाहे दिल्ली की बात करें चाहे गाजियाबाद की करें पूरे NCR की बात करें, वो रेन बसेरा खाली रहते हैं। पिछले 4-5 सालों से देखते आ रहे हैं किस तरीके से जो तमाम लाखों रुपए के रेन बसेरा बन जाते हैं उसमें लोग नहीं सोते, जहां 40 लोगों की संख्या होती है वहां 2 लोग जाके सोते, मगर देखिए उसके साथ साथ दिल्ली NCR के लोगों पे एक पहाड़ और टूटा है, जो मौसम के साथ साथ जो शीतलहर हवा के साथ साथ पॉल्यूशन की मार नोएडा NCR की जनता खूब झेल रही है। कल अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली NCR के कई इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार पहुंच गई थी, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आती है, लोगों की आंखों से जिसे कहते हैं आंसू और दम घुटने वाली स्थिति हो गई थी। देखिए क्योंकि दिल्ली NCR के लोग ये कहते हैं कि जो ठंड का मौसम है जो सर्दी का मौसम आता है उसमें हम आराम से जो मौसम का मजे ले सकते हैं, मगर उसमें ये स्थिति याद आती है कि उसके साथ साथ इन्हें शहर हवा के साथ साथ इन्हें पॉल्यूशन अब परेशान करी, क्योंकि देखिए लगातार पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं जो नोएडा NCR का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 10 से 72 श्रेणी में जा रहा है, जिसके बाद जो प्रशासन है वो भी अलर्ट हुई है द्वारा। बिल्कुल, लेकिन माना ये जा रहा है कि अगर बारिश होती है तो कुछ राहत लोगों को प्रदूषण से मिल सकती है। जतिन, बड़ा असर कोहरे की वजह से ट्रेन्स पर पड़ा है, फ्लाइट्स पर पड़ा है, कई फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि देरी से चल रही हैं, ट्रेन्स तो कुछ कैंसिल तक कर दी गई हैं, तो कोहरे से निजात कब तक मिल पाएगी और कितनी ऐसी ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही हैं? देखिए हर स्टेशन पर ये कहें कि दर्जनों ऐसी ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही हैं, और क्योंकि आपने कोहरे की बात की तो उससे राहत मिलती हुई अभी अगले कुछ दिनों तक तो नहीं लग रही है, लेकिन हाँ 2 दिन अगर बारिश होगी तो 1 से 2 दिन, बल्कि ये कहें कि बारिश का असर अगर अगले दिन भी रहता है तो कोहरे से राहत मिल सकती है। हालांकि क्योंकि कोहरे के साथ साथ स्मॉग भी है, जैसा कि आप जिक्र भी लगातार कर रही हैं, 421 इस समय, देखिए मैं आंकड़े भी दिखाता हूँ, 421 है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये जो होता है ना ये सीवियर कैटेगरी में होता है,
जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करते हैं तो ये समझना बेहद जरूरी है कि हम पॉल्यूशन के स्तर की बात कर रहे हैं। अगर ये 150 से ऊपर जाना शुरू होता है तो चिंता बढ़ती है, जब ये 200 के पास जाता है तो चिंता और ज्यादा बढ़ती है, जब ये 300 तक जाता है तो ये कहा जा सकता है कि सांस लेना आसान नहीं है आबो हवा में, और जब ये 400 के पास जाता है तो आप समझ सकते हैं कि धुंधलापन छाया रहता है फिजाओं में और सांस लेना दुभर हो जाता है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। तो इसीलिए जरूरी कदम उठाए गए, कोहरे से रात भले ही मिल जाए आने वाले 10 दिनों में, लेकिन अगर ये स्मोक कम नहीं होगा तो भी धुंधलापन एक छाया रहेगा और वो धुंधलापन भी परेशानी का जो सबब है वो बना रहेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर एक साथ में काम करने की जरूरत है। हालांकि सरकार इस पर काम करने का दावा जरूर करती है और आपको पता ही है कि कल किस तरह से शुक्रवार तक के लिए BS4 पेट्रोल और BS दूसरे संबंधी जो डीजल के वाहन संबंधी है BS कैटेगरी के कुछ वाहनों पर रोक लगा दी गई थी शुक्रवार तक के लिए। तो ठोस कदम भी उठाए गए हैं लेकिन फिर भी ये स्मॉग और कोहरे का असर फिलहाल इसी पर आ रही थी जतिन आपके पास, पाबंदियों का ही जिक्र करने वाली मैं थी। आप बता रहे हैं कि वाहनों पर कुछ रोक लगाई गई है, इसके अलावा और क्या पाबंदियां जो लगाई गई थी पहले वो आगे भी अभी जारी रहेंगी? देखिए बिल्कुल, समय समय पर ये पाबंदियां लगाई जाती हैं, चाहे निर्माण कार्य जहां पर हो रहे हैं वहां पर जो बिल्डिंग मटेरियल रखा हुआ है ऊपर हरे कपड़े से ढकना मैंडेटरी होता है लेकिन कई जगहों पर इसका पालन नहीं होता है। जगह जगह हम देखते हैं कि स्प्रिंकल किया जाता है, छिड़काव किया जाता है और लोगों को समझाया भी जाता है कि वो अपने आसपास धूल का जो गुब्बारा है अगर इकट्ठा होता है तो वहां छिड़काव खुद भी कर सकते हैं, आसपास के लोगों से भी ये कहा जाता है। इसके अलावा ये जो मौसम है जिसमें स्मॉग खासकर एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 300 के पास चला जाता है 250 के पास चला जाता है तो लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि वो मास्क पहने। हालांकि तमाम जगहों पर हम देखते हैं कि लोग मास्क भी पहनते हैं और कोशिश करते हैं कि वो खुद को प्रदूषण से बचा सके। डॉक्टर भी यही लगातार सलाह देते हैं कि आप इस मौसम में खुद को ज्यादा से ज्यादा बचा के रखें। देखिए एक तरफ सर्दी है, सर्दी में खांसी जुकाम और ये बुखार होना लाजमी है, लेकिन अगर हम गंदी हवा इनहेल करेंगे, प्रदूषित हवा इनहेल करेंगे तो वो भी एक मुश्किल का कारण बन सकता है। तो इसलिए ये तमाम जो इंतजाम है वो किए जाते हैं। इसके अलावा NGT के दिशा निर्देशों के आधार पर काम किया जाता है, जैसा कि कुछ संबंधित वाहन जो ज्यादा धुआं फैलाते हैं, ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, उन पर टेम्परेरी रोक जो है वो लगा दी जाती है, जो फिलहाल हम देख भी रहे हैं कि कुछ वाहनों पर BS कैटेगरी से संबंधित जो वाहन है उन पर लगाई भी गई है। इसके अलावा ईंट भट्टे या फिर जो फैक्ट्रियां धुआं फैलाती हैं उनको लेकर भी तमाम दिशा निर्देश जो है वो दिए जाते हैं और लगातार उन पर काम भी किया जाता है। ठीक है अनिल, एडवाइजरी चूंकि जारी की गई है प्रशासन की तरफ से, क्या वो एडवाइजरी है, क्या लोग उसका पालन कर रहे हैं? इसके अलावा चूंकि अभी आगे आने वाले दिनों में कोहरे से कोई राहत नहीं मिलने वाली है, क्या ऐसे में स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं? क्या इस पर जो जिला प्रशासन है वो मंथन कर रहा है? जिस तरीके से जिला प्रशासन ने लगातार जिस तरीके सर्दी बढ़ रही है तो उसको लेकर जो छुट्टियां हैं बच्चों की वो एक्सटेंड की गई हैं। हालांकि ये भी क्योंकि बीते 2 साल पहले कोरोना का टाइम था, उस बीच में बच्चों की पढ़ाई काफी डिस्टर्ब हुई थी तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस चला दी थी, पर जिला प्रशासन द्वारा ये प्लानिंग भी की जा रही है यदि सर्दी का सिस्टम इस तरीके से देखा गया आगामी दिन कोहरे की मार लोग झेलते रहे तो फिर इस तरीके का कदम भी उठाया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो रेगुलर की जाएंगी क्योंकि पढ़ाई के बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए ये कदम भी उठाने की बात की गई है। वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक सिस्टम बनाने की बात की गई है, जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह चेकिंग की जा रही है और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि आप जो है क्योंकि जिस तरीके से कोहरा है तो आपको हेडलाइट का उपयोग करना है और अपना इंडिकेटर जलाकर ही आप निकलें, इस तरीके की बात जो है जिला प्रशासन द्वारा और ट्रैफिक पुलिस द्वारा कही जा रही है गाजियाबाद में। जी बिल्कुल, तो गाजियाबाद में देखिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है ये अनिल ने हमें बताया। महेंद्र माही नोएडा से चुकी मेरे साथ हैं। महेंद्र, ऐसे कई लोग हैं जो दिल्ली से नोएडा जाते हैं, नोएडा से दिल्ली आते हैं, कोहरा क्या है आज नोएडा की अगर हम बात करें तो, और कोहरे ने कितना असर डाला है रफ्तार पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर लोगों की? देखिए आपको बता दें कि अगर दिल्ली NCR की बात करें तो ये बॉर्डर से काफी टच में है, सैकड़ों लोग दिल्ली जाते हैं और सैकड़ों लोग दिल्ली से नोएडा आते हैं अपने कामकाज के लिए, क्योंकि कई मल्टीनेशनल कंपनियां नोएडा में है तो कुछ लोगों के दफ्तर दिल्ली में, तो आना जाना इनका लगा रहता है, चाहे अपनी बसों से जाए, चाहे कार से जाए, चाहे मेट्रो से जाए या अपने 2 पहिया वाहन से जाए। मगर परसों के मुकाबले जो कोहरा है वो कम है,
क्योंकि देखिए परसों जो 9 जनवरी था तो उस दिन जो कोहरा था बहुत ही लोगों को कम दिखाई दे रहा था, अगले वाहन में कम दिखाई दे रहा था, मगर जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही है दिल्ली एनसीआर में, देखियो क्योंकि परसों जो है बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी मगर आज जो है हवा चल रही, जिसके कारण जो कोहरा है एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोहरा इकट्ठा होने का सबसे बड़ा कारण होता है जो हवा संतुलित होती है तो कोहरा इकट्ठा हो जाता है, मगर अब जो दिल्ली एनसीआर में हवाएं चल रही है शीतलहर हवाएं चल रही है उसकी वजह से कोहरा अब नोएडा एनसीआर में नहीं है। उसके बाद बता दें कि जो जिस तरीके से पॉल्यूशन लेवल नोएडा एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है उससे लोग काफी चिंतित है, क्योंकि देखिए लोगों को ये लगता था कि नवंबर अक्टूबर में जो पॉल्यूशन होता है वो खत्म हो जाएगा, दिसंबर तक हमें साफ साफ सुथरा हवा लेने को मिलता है, मगर देखिए अब ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, दिसंबर खत्म होने के बाद जनवरी आ चुका है, उसके बावजूद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बद से बदतर श्रेणी में जा रही है, 400-450 के पार पहुंच जाती है, जिसमें देखिए अगर आप खुले आंखों से बाहर निकलेंगे या खुले सांस लेंगे तो आपको काफी प्रॉब्लम होगी और आपको महसूस हो जाएगा कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बदलाव हो रहा है, जो नोएडा एनसीआर की आबो हवा है वो दूषित हो रही है। अगर बात करें देखिए एक्शन प्लान की जो सरकार द्वारा ली जाती है तो जो सेंट्रल रिसर्च जो होती है वो ये कहते हैं कि ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3, ग्राफ 4, मतलब जिस तरीके से नोएडा एनसीआर में आबो हवा खराब होती है उसके मुकाबले हमें एक्शन लागू करना पड़ता है। नोएडा एनसीआर में ग्राफ 3 लागू हो चुका, मगर जो कई पाबंदियां उस पर रोक लगाई गई थी, पहले जब एयर क्वालिटी इंडेक्स दिसंबर में 400-500 अगर ग्राफ 4 दोबारा लागू होता है तो समझ जाइए जितना कंस्ट्रक्शन। चलिए ठीक है, आप सब मेरे साथ बने रहिए, चूंकि देखिए अब 2 से 3 दिन अगले मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट बारिश का जारी किया गया है कि बारिश हो सकती है दिल्ली एनसीआर में, उत्तर भारत के कई राज्यों में, ऐसे में लोगों का क्या कहना है वो अब आपको सुनाते हैं। अबू एंड आई एम फ्रॉम मुंबई, सो यू केम हियर फॉर रोमिंग और नो, मेरा एक लिटरेचर फेस्टिवल था, सो आई एम अमंग ऑल ऑफ देम, दे आर माय फ्रेंड्स एंड हां हम घूमने के लिए आए हैं, इधर थोड़ा घूमने के लिए आए हैं। हाँ। दिल्ली में ज्यादा सर्दी लग रही है? हाँ ऑफ कोर्स। मुंबई के अगर हम कंपेयर करें तो कैसी है दिल्ली में सर्दी? 3 गुना ज्यादा सर्दी मुझे दिल्ली में लग रही है, 3 गुना भी नहीं, बहुत सर्दी है इधर। अच्छा, तो सर्दी से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? मैं गर्म कपड़े पहन रही हूँ और मैं कंपेरेटिवली गर्म खाना खा रही हूँ और ठंडी चीजों से मैं दूर रहने की ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, ठंडी से दूर रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुबह सुबह इंडिया गेट घूमने आई है। डैड आपको पापा से बात करनी पड़ेगी क्योंकि उनका डिसीजन था, बट हाँ मजा भी आता है लेकिन ठंडी भी लगती है, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग एंड आई लव टू एक्सप्लोर, सो चाहे कितनी भी ठंडी हो मैं घूमने के लिए कभी भी आ सकती हूँ। अच्छा, और दिल्ली में पॉल्यूशन भी ज्यादा है? दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है क्योंकि देख ही रहा है, क्योंकि सामने ही हमें स्मोक दिख रहा है आजू बाजू में, और पूरा दिल्ली पूरा स्मोक से भरा हुआ है, विच आई थिंक इज दी ओनली थिंग विच इज टू बी इम्प्रूव्ड इन दिल्ली। आज तो ठंड कम है, बाकी मैं फरीदाबाद से नोएडा ट्रेवल करता हूँ डेली बेसिस पे, तो कह सकता हूँ कि हाँ पिछले 2 दिन से ठंड ज्यादा थी, वही बाइक से ट्रेवल करता हूँ अपनी, तो आज ठंड कम है 2 दिन के मुकाबले और धुंध भी कम है। टू व्हीलर वालों के लिए तो और काफी मुश्किल है, पूछो मत सर, मैं एक डेली ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ बाइक से, हाँ मेरी हालत खराब हो जाती है ठंड के मुकाबले में तो, और इसके अलावा प्रदूषण भी काफी ज्यादा है, हद से ज्यादा, मैं हैंकी यूज कर रहा हूँ, हेलमेट तो है ही हमेशा रहता ही है, तो हैंकी बेस्ट है इस चीज में, क्योंकि मास्क पहनना मेरे को अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं हैंकी यूज कर लेता हूँ, बेस्ट है। तो देखिए लोगों का ये मानना है कि पिछले दिनों के मुकाबले आज कुछ राहत है ठंड से जो मिली है लोगों को। मेरे साथ अलग अलग रिपोर्टर्स भी हमारे जुड़े हुए हैं, जतिन चूंकि आज बारिश का पूर्वानुमान है मौसम विभाग की तरफ से, तो क्या बारिश होने के बाद ठंड में कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी या ठंड बढ़ सकती है? देखिए क्योंकि अगर बारिश होगी तो ठंड बढ़ सकती है ये कहा जा सकता है, लेकिन कोहरे से राहत मिलेगी ये भी कहा जा सकता है, हालांकि देखिए धीरे धीरे सर्दी का असर कम होगा आने वाले दिनों में, लेकिन फिलहाल 10 दिनों को लेकर ये अभी कह पाना मुश्किल है कि ठंड कम होगी, क्योंकि कोहरे का अलर्ट भी अभी बना हुआ है, उससे पहले बारिश का अलर्ट है,
और सबसे बड़ी जो राहत लोगों को मिलेगी वो मिलेगी प्रदूषण से अगर बारिश आती है, क्योंकि जब बारिश आएगी तो जो धूल है वो कंप्रेस होगी, दब जाएगी, उसकी वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें सुधार होगा। तो इसको लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से आप सुन भी रहे थे, चाहे इंडिया गेट हो या दूसरे हिस्से हो दिल्ली NCR के, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली की इस सर्दी को एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास वक्त है या फिर बाहर से लोग जो सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो दिल्ली की सर्दी को एंजॉय भी करते हैं। तो इस समय की जो सर्दी है वो जाहिर है कि उन लोगों को एंजॉय भी करा रही है, मगर बारिश होगी तो उनके लिए एक मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि कई तरह की परेशानियां बारिश भी अपने साथ लेकर आती है। बिल्कुल ठीक, अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहता है, लेकिन आज पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कुछ राहत है। आज और कल को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है बारिश का, ऐसे में ध्यान आपको देना है, जो एडवाइजरी है उसे फॉलो करना है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और मौसम के मिजाज बताने के लिए दिल्ली NCR के। तो सावधान आपको रहने की जरूरत है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, बारिश का अलर्ट है, साथ ही साथ कोहरे से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में अभी मौसम विभाग के अगर पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम इसी तरह का बना रह सकता है।